नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में धामी का दौरा, काशीपुर में बीजेपी ऑफिस का किया भूमि पूजन, विकास कार्यों का भी किया लोकार्पण। पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने उत्तराखंड में करेंगे बड़ी रैली, 30 मई से 30 जून तक चलाया जाएगा महाजनसंपर्क अभियान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट और सीएम धामी के करेंगे बैठक। देहरादून में मिलेट महोत्सव का आयोजन, कृषि में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मान। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, किसानों की आमदनी बढ़ाने में मिलेट्स होगा सहायक। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक, बर्फबारी और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लिया फैसला, 26 मई से फिर शुरू होगी व्यवस्था। और उत्तराखंड मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, 2 से 4 दिनों में पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार, चार धाम यात्रियों को दी हिदायत। और अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय काशीपुर का भूमि पूजन और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो हमारे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत का परिणाम है कि आज हम जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वही आज विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व भी हमारे पास है। आज कोई भी अगर ग्लोबल रेटिंग होती है, अगर कोई ग्लोबल सर्वे होता है, तो उस ग्लोबल सर्वे में जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को उस सर्वे में शामिल किया जाता है, तो वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 70% से भी ज्यादा अकेले जो है उस रेटिंग में अपना स्थान रखते हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर में पत्रकारों से रूबरू हुए, उन्होंने कई मुद्दों पर उनसे बातचीत की। उत्तराखंड राज्य को जिन फैसलों की भी आवश्यकता है, जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में है, उन सभी फैसलों को लेंगे। अभी समान नागरिक संहिता जिसके लिए हमने ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का गठन किया था, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में उस कमेटी ने लगभग 90% काम पूरा कर लिया है और 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, तो उत्तराखंड हमारा ऐसा राज्य हो जाएगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हम लागू करेंगे। और दूसरे जो हमारे देश के राज्य हैं, उन राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है कि सभी राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़े। और ये काशीपुर क्षेत्र, ये हमारा क्योंकि एक पहले से ही औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित रहा है, यहाँ पर जो भी समुचित विकास की आवश्यकताएं हैं उनकी हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं। पिछले दिनों जो बैठकें हमारी देहरादून में होती थी उद्योग मित्र की बैठक, उस बैठक को भी हमने रुद्रपुर में किया और उद्योग समूहों के बीच में से भी बहुत सारी बातें, उनकी समस्याएं और जो आगे के उनके सुझाव थे, उन पर विस्तार से हमने मंथन भी किया है, संवाद किया है, उनके सुझाव लेकर बहुत सारे त्वरित रूप से जो फैसले लिए थे वो फैसले हमने वहीं पर लिए हैं। और जो अल्पकालिक थे वो तो फैसले लिए, जो दीर्घकालिक हैं उन फैसलों को भी हम जल्दी ही लेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुई भाजपा की हार ने आगामी चुनाव में जीत को लेकर चिंता बढ़ा दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनाव ने योगी सरकार ने प्रचंड बहुमत हासिल कर उत्तराखंड बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आगामी 5 महीने में उत्तराखंड में भी निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में इस निकाय चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी योगी सरकार की प्रशंसा करते हुए आगामी निकाय चुनाव में उत्तराखंड में भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा, निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन हुआ, उत्तराखंड में भी इसी तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। योगी जी ने वास्तव में बहुत मेहनत करी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और सरकार ने मिलकर जनता के भावनाओं को
उनकी भावनाओं के अनुसार काम करने का जो बीड़ा उठाया था उसको पूरा किया है और जनता ने योगी सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। उत्तराखंड राज्य में भी यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो लोकप्रिय और जनकल्याणकारी काम किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा जो लगातार जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं का निदान करने का प्रयास हम कर रहे हैं, हम ही यहाँ नगर निगम नगर पालिकाओं में एक तरफा जीतने वाले हैं। कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस का संगठन कहीं नहीं है और कांग्रेस को उत्तराखंड राज्य की जनता ने पहले ही नकार दिया है। राजधानी देहरादून के हाथी बड़कला स्थित सर्वे ग्राउंड में आयोजित मिलेट्स महोत्सव के तीसरे दिन भूतपूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे। साथ ही पर्यावरणविद अनिल जोशी भी मिलेट्स महोत्सव में प्रतिभाग लिया। इस मौके पर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि आने वाले समय में मिलेट्स का है ये कि ऐसा अन्न है जो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। पहले लोग मोटा अनाज को गरीबों का अनाज कहते थे लेकिन आज के समय में इसकी गुणवत्ता के कारण सभी लोग इसके इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने एक नारा भी दिया, कोदू झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। वहीं इस मौके पर पर्यावरणविद अनिल जोशी ने मिलेट्स के उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मिलेट्स को उत्तराखंड के मंदिरों से जोड़ दिया जाए जिससे वहां मिलने वाला प्रसाद मिलेट्स का हो, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे। इतने सुंदर प्रयोग नहीं हो रहे हैं, आज भी मैंने प्रदर्शन में देखा, स्टॉल्स में देखा, यहाँ तक कि पैकेजिंग भी इतनी सुंदर है, मैं आश्चर्य कर गया। और इतना सुंदर हमारे यहाँ इसके भविष्य की संभावनाएं हैं, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं और विशेष करके केंद्र सरकार, हमारी प्रदेश में धामी जी की सरकार और यहाँ के मंत्री गणेश जोशी जी जितना ध्यान दे रहे हैं, अगर ये ऐसे ही इस प्रकार का इनका जोर रहा, इन्होंने ध्यान दिया, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ न केवल मोटे अनाज बल्कि फल दूध आदि सब क्षेत्रों में उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनेगा। आज की बदलती परिस्थितियों में चाहे वो कोविड हो या चाहे क्लाइमेट चेंज हो, अब मिलेट्स की ही दुनिया में बारी है क्योंकि इसी न्यूट्रिशियस क्रॉप का एक बड़ा महत्व तो इस बात में है कि कितना भी मानसून इधर का उधर हो जाए, परिस्थितियां ऊंची नीचे हो जाए, कितनी बंजर जमीन रहे, अगर कहीं कुछ पैदा हो सकता है तो मिलेट ही है। इसलिए शायद कहीं आप दुनिया में आने वाले समय में मिलेट का ही है, इलीट क्लास की क्रॉप जो वीट एंड प्रेडी थी वह पीछे जाने वाली है और इसमें उत्तराखंड एक बहुत बड़ा उदाहरण देगा। श्री अन्न हमारी परंपरागत खेती में है, इसको उगाने में खाद भी कम लगती है, इसकी देखभाल भी कम होती है, इसमें पानी भी कम लगता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से श्री अन्न इतना लाभदायक है कि जो व्यक्ति मड़ुआ खाएगा उसको कभी शुगर नहीं होगी, जो व्यक्ति चौलाई खाएगा उसके घुटने में दर्द नहीं होगा, जो कुलथ खाएगा उसको कभी पथरी नहीं होगी। मुझे याद है जब हम छोटे थे कहा जाता था कि कोदा झुंगरा जो है गरीब आदमी खाते हैं और आज ये अमूर्त की थाली का भोजन बन गया है। मोदी सरकार के 30 मई को 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देशभर में 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इसी संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार के इस 9 साल के कार्यकाल के दौरान जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य संपर्क अभियान के माध्यम से किया जाएगा जिसमें देशभर में पार्टी के 16 लाख कार्यकर्ता करोड़ों से लोगों से संपर्क स्थापित कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे। साथ ही उत्तराखंड में भी हर लोकसभा क्षेत्र में इस अभियान को चलाया जाएगा और हर लोकसभा क्षेत्र के लगभग 250 प्रतिभाओं को सम्मानित करने का कार्य भी होगा। आपको बता दें इस संपर्क अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर में 51 रैलियां भी करेंगे जिसमें एक रैली उत्तराखंड में भी प्रस्तावित है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 9 वर्षों में देश ने अद्वितीय सफलताएं प्राप्त की हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस व्यापक अभियान के तहत पूरे देश में कार्यकर्ताओं के द्वारा महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा जिसमें केंद्र की सभी योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है और
आगे कम से कम 16 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर में करोड़ों लोगों से संपर्क करेंगे और साथ ही एक लोकसभा में कम से कम 250 ऐसे विशिष्ट जनों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष कार्य किए हैं उनसे संपर्क करने का भी अभियान चलाया जाएगा। रानीखेत में महिला कांग्रेस कमेटी रानीखेत के तत्वाधान में कर्नाटक विधानसभा चुनाव की प्रचंड जीत पर मिठाई बांटकर जश्न मनाया। रानीखेत जिला अध्यक्ष गीता पवार के नेतृत्व में किया गया। महिला जिला अध्यक्ष गीता पवार ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा की नफरत की दुकान बंद हुई, वहीं कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान खुली। नारा लगाया, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, सफल हुआ सफल हुआ। इस प्रचंड जीत का श्रेय कर्नाटक की सम्मानित जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। इस प्रचंड जीत ने पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। इसी तरह लोकसभा चुनाव 2024 में भी कांग्रेस सत्ता परिवर्तन करेगी। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवा संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी रुड़की और एनआईटी वारंगल को उत्तराखंड और तेलंगाना राज्यों के बीच युवा आदान प्रदान आयोजित करने के लिए चुना। युवा संगम द्वितीय के अंतर्गत पहले तेलंगाना से छात्रों का दल 29 अप्रैल को रुड़की पहुंचा था और 4 मई तक ये कार्यक्रम चला। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की योजना युवा संगम के अंतर्गत एक राज्य से अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां अपने अनुभव साझा करते हैं। उन्होंने बताया अब तेलंगाना दल के उत्तराखंड दौरे के बाद उत्तराखंड से 45 छात्र छात्राओं का दल तेलंगाना दौरे के लिए जाएगा। इसके अंतर्गत उत्तराखंड की 12 विभिन्न यूनिवर्सिटीज से 45 छात्र छात्राओं को सिलेक्ट किया गया था, जो सभी अलग अलग कॉलेज से है। जानते हैं कि युवा संगम जो है हमारी सरकार ने एक नया स्कीम चलाई जिसमें छात्र जो हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज से स्टेट वाइज दूसरे स्टेट में जाते हैं और उनसे वहाँ इंटरेक्ट करते हैं एंड ये एक तरह से साइंटिफिक एजुकेशन और सोसाइटल तो हर तरह के चीज़ों का संगम है। तो यहाँ जैसे अभी जो करीब 12 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज उत्तराखंड में जो हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज उन सबको इसमें कई एप्लीकेशन आए थे, उनमें से टोटल 45 लोगों को सेलेक्ट किया जिसमें 23 छात्र हैं बॉयज एंड 22 छात्राएं हैं गर्ल्स और ये सब अलग अलग कॉलेज से हैं। तो इसका एक पर्पस तो ये है कि यहाँ उत्तराखंड में जो डिफरेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं उनके बीच में भी एक इंट्रैक्शन जरूरी है और IIT रुड़की एक वी आर हैप्पी कि IIT रुड़की इसमें लीड ले रहा है और कोऑर्डिनेट कर रहा है ये एक्टिविटी को। अब ये छात्र जो हैं कल से एक हफ्ते के लिए वारंगल में जाएंगे और पूरे तेलंगाना के अलग अलग एरियाज में विजिट करेंगे। CBSE का रिजल्ट आने के बाद राज्य के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी खासे नाराज हैं। ऐसे में शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जिले के सभी शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्कृष्ट विद्यालयों के रिजल्ट की पूरी समीक्षा की। समीक्षा के मुताबिक कई स्कूल के बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है जो जून में होगी। उससे पहले तमाम शिक्षा अधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे तमाम स्कूल जहां पर बच्चों को सप्लीमेंट्री देनी है वहां गर्मियों की छुट्टियों में भी स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए। बच्चों को पूरी तरह से तैयारी भी कराई जाएगी। वहीं DG शिक्षा बंशीधर तिवारी रिजल्ट से खासे नाराज है। ऐसे में जिन स्कूलों के बच्चों के 50% तक फेल का रिजल्ट है ऐसे शिक्षकों और अधिकारियों पर भी गाज गिराने की तैयारी की जा रही है। रुड़की के तहसील परिसर स्थित खाद्य पूर्ति विभाग कार्यालय में RTI सूचनाकर्ता और खाद्य पूर्ति निरीक्षक के बीच बहस हो गई। RTI सूचनाकर्ता का आरोप है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं। दरअसल शेरपुर खेलमऊ ग्राम के एक राशन डीलर पर मनमानी का आरोप लगाया गया था। गांव के ही एक व्यक्ति की शिकायत पर राशन डीलर के लाइसेंस कैंसिल की संस्तुति कर दी गई थी। इस दौरान तहसील परिसर में राशन डीलर के खिलाफ सूचना मांगने वाले ग्रामीण और खाद्य आपूर्ति निरीक्षक की आपस में बहस हो गई। जब व्यक्ति ने उनसे सूचना के अधिकार का जवाब मांगा तो इस दौरान शिकायतकर्ता ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी डीलर को लेकर भेदभाव बरत रहे हैं। हमारे पास दारित नहीं होती है, दुकानदार से ली जाती है। दुकानदार से हमने सूचना मांगी, जो दुकानदार ने सूचना दी हमने दे दी इन्हें। बाकी ने प्रथम अपील में गए थे, अपील में जो भी आदेश हुए उन्हें कहा थे 10 दिन के अंदर सूचना दे, दुकान सस्पेंड कर दी जाए।
हमने सुस्ती कर दी है उसके लिए, सस्पेंड के लिए। जब भी आदेश आएंगे डीएम साहब से आदेश वो फाइनल होकर आएंगे तो कॉपी उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। मैंने सूचना मांगी थी, 8 महीने हो गए मुझे सूचना मांगते, और ये मुझे भेदभाव के हिसाब से बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, मुझे सूचना भी नहीं दे रहे हैं। सूचना का अधिकार मांगा था 3 साल का रिकॉर्ड योगेश शर्मा जी के नाम से। मैंने कई फिर कहा इन्हें भाई मुझे सूचना दो, तो सूचना दे नहीं रहे। कभी बोले कि डीएसओ के यहाँ चले गई, कभी बोलते हैं कि 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, ऐसे भेदभाव कर रहे हैं मेरे साथ। कोटे के लिए डीलर साहब बहुत भेदभाव कर रहे हैं। सीमांत घाटी के दो दूरस्थ गांव सूखी भला गांव और तोलमा गांव में जाने के लिए विगत कई साल पूर्व आधा अधूरी सड़क का निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी आज तक इन दोनों गांव तक जाने के लिए सड़क जैसी सुविधा का निर्माण कार्य नहीं हो सका, जिसके चलते आज भी स्थानीय ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने अपने गाँव के आधे अधूरे सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन के दरवाजे खटखटा दिए, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सीमांत नीति घाटी के सरायथोटा सुखी भला गांव मोटर मार्ग और सरायथोटा तोलमा मोटर मार्ग, तोलमा मोटर मार्ग विगत 15 वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, मात्र 1.5 किलोमीटर भी पूर्ण नहीं हो पाया। और उसके बाद आज जगी थी कि शायद जो हमारे सीमांत क्षेत्र सुखी भला गांव का मोटर मार्ग है वो जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे काम भी लगा था, 3-4 महीने यहाँ पे काम चला, मात्र 80 से 100 मीटर के बीच ही मोटर मार्ग बन पाया। उसके बाद जो हालत तोलमा मोटर मार्ग थे वही हालत इस मोटर मार्ग को भी देखने को मिल रहा है। 3-4 महीनों से यहाँ पे कार्य बिल्कुल बंद किया गया है। दे देना, हम तो बहुत परेशानी हो गया, यहाँ रोड में पत्थर आ रहे बहुत, कैसे को जाएगा सुरेट होता है। हम तो खुश हो गया था अब हमारे रोड आने वाले हैं, अब बीच में ऐसे हो गया, क्या करना बेटा। आज से वोट नहीं देगा, हमारा रोड नहीं आएगा तो हम वोट नहीं देगा। वोट देने पर तो खूब पालस करता है, हाँ माँ जी वोट दो, हाँ पापा वोट दो। कोटद्वार के गाड़ी घाट में एक महिला की मौत की सूचना मायके वालों को मिलने पर कोटद्वार पहुंचे और उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही अर्थी को ले जाने से मना कर दिया। मृतका के भाई ने बताया कि 12 बजे हमारी बहन से बात हुई थी और 2 घंटे बाद हमें किसी का फोन आया कि उसकी मौत हो गई है। परिजनों का ये भी कहना है कि फोन पर बात करते हुए किसी तरह से नहीं लग रहा था कि वो बीमार या परेशान है। मायके पक्ष को बहन के पति पर शक होने पर पुलिस को सूचना दी, फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वोमिटिंग के साथ जो नहीं झाग आए हैं मुंह से, तो इस चीज को लेकर के जो नहीं अपना डाउट लगा बस, और नहीं था अपना बाकी परेशान तो है ही पहले से ही, अपना मुंह से परेशान रखा है और है अब भी, बहुत टेंशन में रहती थी जब भी बात करो कि दीदी फिर हमेशा टेंशन में अपना, ऐसी परेशान तो नहीं बताई दीदी ने कभी भी, लेकिन यही रहा। और सुबह आने के लिए बात हुई बस, सुबह 12:15 बजे करीब अपना दीदी की बात भी हुई है छोटे भाई से गुड़गांव, तो अपना बिल्कुल ठीक ठाक थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 4 दिन तक पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के पहाड़ी जिलों में छुटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी का अंदेशा भी मौसम विभाग ने जताया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में मौसम की अगर बात करें तो उत्तराखंड के ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर छुटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने का अंदेशा भी मौसम विभाग ने जताया। आपको बता दें उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चरम पर है, ऐसे में मौसम विभाग ने यात्रियों को हिदायत बरतने की अपील की है। हाँ देखिए 15 तारीख मिड मई अभी जो है हो गया, आज 15 तारीख है मई की, और अभी देख ही रहे हैं कि 2-4 दिन से बहुत एक्टिविटी नहीं है, लेकिन लाइट एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म की आफ्टरनून वगैरह में वो मिल ही रही है। आगे भी देखें तो 15, 16, 17 की अगर बात करें तो इसमें कोई विशेष एक्टिविटी है नहीं। आफ्टरनून में जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो जो लोकल डेवलपमेंट है थोड़े टेम्परेचर भी बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन कोई उसमें भी बहुत विशेष दिख नहीं रहा है। 18-19-20 में बात करें तो थोड़ी जो वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी, 18 से आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म की जो एक्टिविटी है वो कुछ जगहों में पहाड़ों में खासकर वो मिल जाएगी।
19 में आना की थोड़ी सी कमी भी हो सकती है, लेकिन 20 में फिर भी वो दिख रही है। तो ये 3 दिन जो मैं कहूँगा इसमें एक्टिविटी है, उस दौरान भी थंडरस्टॉर्म में एक्टिविटी। तो जैसे कि हम बोलते भी हैं कि थंडरस्टॉर्म में तो यही है कि जिस समय चल रही एक्टिविटी तो थोड़ी देर रुक जाएँ, और ये एक्टिविटी किसी लोकेशन में आधा एक घंटा ही चलती है, उसके बाद ख़त्म है, तो आगे बढ़ा जा सकता है। मसूरी पहुंचे लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने माल रोड में हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही माल रोड में जगह जगह पड़े मलबे के ढेर को जल्दी हटाने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि कार्य में तेजी का कारण विभागों में तालमेल की कमी है। सभी विभागों के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। कि आप लोग समझते हैं कि जो माल रोड का काम था बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, इसमें हम लोग को सतह का काम करने से पीछे टूटी शिफ्टिंग के बहुत सारे काम करने थे, नीचे की लेस डालनी थी और टाइम टेकिंग काम होता है। पहली प्राथमिकता पर हम लोगों ने डामरीकरण का काम किया है और एक लेयर पूरी भी कर दी है, और जो हमारे दूसरे प्रायरिटी के सौंदर्यीकरण काम है और इंटरलॉकिंग टाइल्स की जगह कोबलस्टोन वाले काम है उसे हम लोग प्रायरिटी पर कर रहे हैं। रात दिन दोनों समय की टीमें लगाई जा रही हैं, तो इसे हम लोग जल्दी से पूरा कर लेंगे। निश्चित रूप से कि हम पुराने टाइम को पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने जो भी अपना टारगेट रखा हुआ है यह समान टारगेट से बहुत जल्दी का टारगेट है। सर जो है सभी विभागों से इसलिए समय बनाया गया है और सारे विभागों को यहाँ पर बुलाया गया था कि लोग साथ में हमारे विजिट कर लें, साथ में जो भी ऐसे इशूज आ रहे हैं जहाँ पर टूटी डक्ट डालना है या किसी की पाइपलाइन डालनी, वो पहले काम करवा लें। देखिए आज एक बहुत ही अच्छा व्यवहार आज विभाग की तरफ से आया है, लोक निर्माण विभाग की तरफ से, जब एक्जिन साहब ने खुद स्वयं पूरी मसूरी का निरीक्षण कराया माल रोड का। जिस माल रोड का कार्य 31 मार्च तक पूरा होना था, जो 20 अप्रैल की डेडलाइन तक पूरा नहीं हुआ, 30 अप्रैल की डेडलाइन तक पूरा नहीं हुआ और आज 13 मई हो गई और आज तक पूरा नहीं हुआ, उस संदर्भ में आज पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, जल संस्थान द्वारा जॉइंट इंस्पेक्शन करा गया, सर्वे करा गया, और हमें खुशी की बात है कि आज हमें विश्वास दिलाया गया कि मई के माह के अंतर्गत सारा कार्य पूरा हो जाएगा। लोहाघाट ब्लॉक के पंचेश्वर में नदी में नहाने के दौरान जाग गांव के युवा सचिन बिष्ट की सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई। सचिन के साथियों के द्वारा हल्ला मचाने पर एसएसबी के जवानों ने सचिन को नदी से निकालकर 108 के जरिए लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय भेजा, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना पर प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। अक्सर नहाने के दौरान पंचेश्वर में कई लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से पंचेश्वर संगम में सुरक्षा उपाय करने और जल पुलिस की तैनाती की मांग की। को यहाँ पे करीबन 2 बजे के टाइम पे लेके आए थे और ये घटना हुई है 1:30 बजे के टाइम पे। सरयू नदी में कुछ दोस्त घूमने गए थे तो वहाँ पे ये डूब गया था। फिर इसको यहाँ लाने तक तो इसको ब्रॉड डेड था, जब यहाँ लेके आए थे तो कुछ था नहीं शरीर में। हमने कुछ CPR देने की भी कोशिश करी, रिवाइव करने की कोशिश करी, पर कुछ था नहीं तो बचा नहीं सके उसको। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत किच्छा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। किच्छा पुलिस ने कोतवाली अंतर्गत टीचर कॉलोनी क्षेत्र से पति पत्नी सहित 3 आरोपियों को करीब 6 लाख से ज्यादा कीमत की अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। वहीं फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। लगातार प्रयासरत है और इसी के क्रम में एक बड़ी सफलता CEO किच्छा के नेतृत्व में मिली है। एक टीम गठित की गई थी जिसको इंस्पेक्टर किच्छा लीड कर रहे थे और इस टीम के द्वारा कड़ी मेहनत के साथ एक टीचर कॉलोनी क्षेत्र में अवैध स्मैक का व्यापार कर रहे 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें 1 महिला है और 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। इनसे टोटल 63 ग्राम स्मैक जो है वो बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 6,30,000 रुपए है। और इसके इनकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से उस क्षेत्र में अवैध नशे की जो कारोबार है उसको निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। इनके आपराधिक इतिहास की हम लोगों ने जानकारी की तो इसमें लंबा चौड़ा इनका आपराधिक इतिहास है। ये बेसिकली 2 भाई और उनकी वाइफ से हैं, 4 लोग हैं जो इस कार्य में संलिप्त हैं। साथ में कलुआ नाम का व्यक्ति भी इस ट्रेड में प्रकाश में आया है, जो कि उसी क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। हरिद्वार के बहादराबाद थाना क्षेत्र में गौ तस्कर बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर SSP अजय सिंह ने रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में पूरी वारदात का खुलासा किया। वहीं इस मुठभेड़ में गौ तस्कर की गोली से SOG का एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भी गौ तस्कर बदमाश पर जवाबी फायरिंग की और एक गोली गौ तस्कर बदमाश के पैर में लगी, जबकि 2 गौ तस्कर बदमाश फरार हो गए। घायल गौ तस्कर और पुलिसकर्मी को रुड़की सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया।
कल थाना बादराबाद में कुछ बदमाशों के साथ पुलिस और जो हमारी सीआईओ की टीम है, एक सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई थी कोर कॉलेज के पास, और मौके पर जो है जब अभियुक्तों द्वारा फायर किया गया तो उसमें जवाबी फायरिंग में एक जो साजिज करके बदमाश जो उसके पैर में गोली लगी थी, मौके से दो लोग फरार हो गए थे, जिनकी बाद में कॉम्बिंग के दौरान जो बिलाल है वो भी सहारनपुर का रहने वाला है, उस पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसको पकड़ा गया था और भागदौड़ के दौरान उसकी टांग टूट गई थी, उसको भी अस्पताल रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया। समस्त जानकारी से यह बात आई थी कि हरिद्वार में कुछ थाना क्षेत्रों में गौकृषि के काफी सारे इंसिडेंट होते जिसमें हमारे मुकदमे भी दर्ज थे, और ये अभियुक्त लगातार सहारनपुर से आकर यहाँ पर गायों को चोरी कर ले जाना या जो ऐसे स्ट्रीट पर गाय वगैरह छोड़ दी जाती है उसको ले आते थे और गौकृषि करते। श्रीनगर पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले तीन यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की। आपको बता दें, बद्रीनाथ यात्रा से लौट रही एक महिला यात्री ने 112 पर फोन पर सूचना दी कि वो जिस वाहन से आ रही है उसमें कुछ दूसरे यात्री शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची श्रीनगर पुलिस ने वाहन से शराब पी रहे यात्रियों का मेडिकल करवाकर तीनों यात्रियों का चालान किया। मैं यात्रा करने आई थी केदारनाथ बद्रीनाथ की, तो उसी दौरान मुझे गाड़ी में शेयरिंग जीप में बैठना पड़ा, वहाँ पे कुछ यात्री शराब पी रहे थे, तो मैंने पौड़ी पुलिस श्रीनगर इनको कॉल लगाया गूगल से नंबर निकाल के, और उन्होंने तुरंत हमें सेवा दी एक मिनट के अंदर और मेरी मदद। शराब पी रहे थे, मैंने उनको बहुत बार मना भी किया, लाभ बाहर करो, जो करना है गाड़ी में मत करो, उतरने के बाद करो, बट वो गाड़ी में कर रहे थे। इसमें एक लड़की युवती थी जो चारधाम यात्रा पर आई थी और अपने एक शेयरिंग जीप से यहाँ से हरिद्वार जा रही थी, जिसने तुरंत ये बात बताई हमको कि साहब ऐसे ऐसे करके गाड़ी में कुछ लोग शराब पीने की सूचना है। इसमें हम लोगों को उन्होंने नेट से नंबर लिया है पौड़ी पुलिस का, तो उन्होंने तुरंत सूचना करा, तो हम लोग इमीडिएट वहीं पर पहुँच गए थे मौके पर, क्योंकि हम लोग अपने 112 वाहन से ये रहते हैं ड्यूटी के दौरान, तो हम लोगों ने उनको तुरंत फैसिलिटेट दिया और हमारे यहाँ उत्तराखंड पुलिस का जो मर्यादा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है। सोमवार को सीजन का पहला जंगली फल काफल लोहाघाट बाजार में पहुंचा। हालांकि आज बाजार में व्यापारियों को काफी कम मात्रा में काफल उपलब्ध हो पाया, जिस कारण सोमवार को काफल 200 रुपए पर केजी के हिसाब से बिका। काफल व्यापारी गोपाल दत्त पुनेठा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार काफल 15 से 20 दिन देरी से बाजार में आया है, आज उनको सिर्फ 20 किलो काफल मिल पाया। उन्होंने कहा, शुरुआत में काफल के दाम काफी तेज है, जैसे जैसे काफल की आवक बढ़ेगी दाम नीचे आएंगे, वहीं स्वाद और गुणवत्ता से भरपूर काफल क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं के रोजगार का सशक्त माध्यम बन रहा है। क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं सुबह दूर जंगलों में जाकर काफल के फलों को तोड़कर लोहाघाट बाजार तक ला रही हैं। फसल काफल की ठीक है, लेकिन ऐसा है कि इस टाइम मौसम का जो है थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, यहाँ पहाड़ में एकदम ठंड भी पड़ गई, काफल नहीं तो आज से 10 दिन पहले चल जाता। काफल वैसे पेट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ये गर्मी से बिल्कुल राहत देता है। जो काफल की बहुत बड़ी भूमिका है, इसमें से गांव की औरतें भी इस उद्योग से जुड़ी हुई हैं, ये काफल जंगलों से तोड़ के ला रही है, दिन भर तोड़ती हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ, नमस्कार।